दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिनभर की खास खबरें। प्याज की कीमतों में अचानक उछाल आने से आम जन की जेब पर बड़ा अतिरिक्त खर्च। मंडी व्यापारी ने कहा, दशहरे पर छुट्टी के कारण प्याज हुई महंगी। करैयाखेड़ा रोड निवासी तोरण सिंह दांगी की लाश मिली नजदीकी गांव धारूखेड़ी में। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। और शहर की सड़कों पर बिना नंबर के ही वाहन दौड़ रहे हैं सरपट। इस संबंध में यातायात प्रभारी से हुई चर्चा। प्याज की कीमत में अचानक उछाल आने से आम जन की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा। जी हाँ, आपको बता दें कि प्याज के दाम बढ़ने पर सब्जी मंडी व्यापारियों से हुई चर्चा, तो उन्होंने बताया कि दशहरे के अवसर पर बड़ी मंडियों की छुट्टी होने के कारण यह स्थिति बनी, जिसके कारण प्याज महंगी हो गई। बोल गए तो 40 रुपए करो। संजीव, बहुत दिन में देख रहा हूँ आप डॉक्टर साहब। 20 की आधा किलो, 20 की आधा किलो, आधा किलो। रहमान रायन रहमान जी, क्या कार्य करते हैं आप? सब्जी मंडी में व्यापार है। वर्तमान में सब्जियों के दाम किस तरीके से चल रहा है, खासतौर से प्याज के दाम क्या भाव चल रहा है? सब्जी के दाम नॉर्मल है अभी इस टाइम, सब्जी भरपूर आने लगी है सब्जी मंडी में। और प्याज का मामला तो ऐसा है, अभी ये दशहरे की छुट्टी जो लगी थी तो मंडियाँ एक्चुअली सरकारी मंडियाँ होती हैं बंद, यहाँ प्याज नीलाम होती है, इस वजह से थोड़े से रेट बढ़ गए थे। अब लेकिन नॉर्मल हो गए रेट। पहले क्या होती है वर्तमान में? क्या अभी बीच में 60 रुपये किलो थोक बिक गई थी, अब आज तो 25 रुपये से 40 रुपये किलो तक है प्याज। क्या कार्य करते? प्याज का, आलू का व्यापार है। आलू और प्याज की बात कर ले, थोक में किस तरीके के रेट चल रहा है? आलू 10-12 रुपए किलो चल रहा है, बिक रहा थोक के अंदर। प्याज बिक रही 25 रुपए से 40 रुपए, 45 रुपए, ऊपर भी 50 रुपए सुपर मार्केट मिल जाते हैं। प्याज के भाव बढ़े हुए हैं, अभी थोड़ा स्तर ऊपर हो गया था, फिर नॉर्मल ही हो गया, ऊंचे नीचे चलता रहता प्याज है। कम ज्यादा चल रही थोक में? अभी थोक में 50 रुपए तक बिक रही, 45 रुपए, 50 रुपए तक। फुटकर की बात कर ले तो फुटकर में माल ये बिक रहा 25 रुपए, 30 रुपए किलो, कम रेट वाले माल जो हल्के माल होते हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र करैयाखेड़ा रोड निवासी तोरण सिंह दांगी नजदीकी गांव धारूखेड़ी में मृत अवस्था में मिले। पिछले 2 दिन से लापता थे, थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने व मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन थाना TI शहबाज खान, CSP राजेश तिवारी, एडिशनल SP समीर यादव घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक के शव को PM के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। तो साबुत निकले आई? हाँ सर, साबुत निकले आई। अरे वो नहीं हो पाएगी, इसे होना पड़ेगी।
मिली है, क्या है प्रोग्राम? पुलिस को अभी सूचना मिली थी कि यहाँ दारूखेड़ी गांव है, जो वहाँ पर एक अज्ञात शव मिला है। पुलिस ने तत्काल इस पर यहाँ पर आके इंस्पेक्शन किया तो देखा गया कि ये एक यहाँ से गुम इंसान कायम हुआ था, करैया खेड़ा के रहने वाले हैं तुरन सिंह दागी, उनकी बॉडी है। यहाँ के लोगों ने उसकी शिनाख्त की है और प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी मृत्यु अप्राकृतिक रूप से हुई है, संदेह है इसमें। पुलिस इसमें जांच कर रही है, मर कायम कर लिया गया और जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर हम वैधानिक कार्रवाई। लटेरी तहसील के रणधीर सिंह बंजारा, जो कि बाल अवस्था से ही विकलांग है, सरकार द्वारा उसे 5 बीघा जमीन दी गई थी लेकिन कुछ दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पिछले कई वर्षों से अपनी जमीन वापस लेने के लिए वह भटक रहा है। जिला मुख्यालय पहुंचा और अपनी वेदना मीडिया को सुनाई। पप्पू तुम जो सब जगह कर रहे हो कि जिम्मेदारी हमें मिली है, पैसा वसूली कर आपका रणधीर बंजारा, कहाँ के रहने वाले? नैनवास खुर्द। आपकी कैसे खराब हो गई थी? विकलांग पोलियो चले गए सर, बचपन से बचपन से। तो आपकी जमीन पर किसने कब्जा कर लिया? धन सिंह वीरे सर, तहसील में वो कर्मचारी। जमीन कहाँ से मिली थी आपको? शासकीय पट्टा मिला। कितने बीघा? 5.5 बीघा। और कौन ने कब्जा कर रखा? धन सिंह वील ने। वील ने कब से परेशान हो रहा है? 2 साल से आ रहा हूँ। तो वहाँ पर लटरी में शिकायत नहीं करी आपने? कर रखा है, 250 दावा भी कर रखा है, तारीख मिलती है बस और कुछ नहीं। तारीख मिलती है 2 साल से तारीख। यहाँ पर आज शिकायत करने क्या हुआ? शहर की सड़कों पर बगैर नंबर के वाहन सरपट दौड़ रहे हैं, वही नंबर प्लेट पर नाम लिखे हैं। ऐसे वाहन चालकों पर यातायात पुलिस की कार्रवाई नहीं होती। इस विषय पर यातायात प्रभारी से हुई चर्चा। स्थानों पर दो पहिया वाहनों पर किस तरह की कुछ नाम लिखे हैं, कुछ अलग तरीके से नाम लिखे हैं, कुछ पर नंबर नहीं, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जिन नंबर प्लेट में अगर कुछ जैसे नाम या पद या कुछ भी लिखा है उनकी अपन 51/170 MBF की कार्रवाई करते हैं, उसमें 500 रुपये उनका फाइन लगता है। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि से MT न्यूज़। नमस्कार।